फ्रेंड्स, आज हम सूजी के दही बड़े बना रहे हैं, जिसको ना भिगोना ना पीसना। सिर्फ एक कटोरी सूजी लें बारीक वाली, उसमें आधी कटोरी दही डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें आधी चम्मच। इसको सबको मिक्स करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। गाढ़ा पेस्ट तैयार है, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। ने रेस्ट कर लिया, इसमें 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालें और फिर इसको मिलाएंगे, फिर दही बड़े बनाएंगे। थोड़ा सा पानी के हाथ गीला करें और जैसे हम दही बड़े बनाते हैं ना, बस वैसे ही बना लें। दही बड़े तल गए, अब इनको बाहर निकाल लूंगी, फिर ऐसे ही सारे दही बड़े बना दूंगी। दही बड़े की पकौड़ियां तैयार है। एक बाउल में पानी डाल दें, इसमें नमक और हींग डाल दें और फिर इन पकौड़ियों को उस पानी के अंदर डाल दें। पकौड़ियों को पानी में से निकाल के मैंने डिश प्लेट में अरेंज कर दिए। सबसे पहले इसके ऊपर ये दही डालें। दही के बाद थोड़ा सा काला नमक डाल दें स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, अमचूर की खट्टी मीठी चटनी, धनिया की चटनी, धनिया पत्ती से सजाएं और फिर इसको सर्व करें।